चलिए, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, चेक कंस्ट्रेंट और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ये कुछ कंस्ट्रेंट हमने क्या किया है, पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम लोगों को पढ़ना है फॉरेन कीज, तो फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो हमें आज क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है? तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मींस इट इज डिफाइंड ऑन टू रिलेशंस। तो हमें क्या करना है, दो रिलेशंस क्रिएट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पहले क्रिएट करना है प्रोजेक्ट रिलेशन, क्रिएट करना है स्टूडेंट रिलेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट रिलेशन को पहले क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोजेक्ट इज एन पेरेंट टेबल, इज एन पेरेंट टेबल एंड दिस इज योर चाइल्ड टेबल। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी पेरेंट टेबल है, कौन सी चाइल्ड टेबल है? चाइल्ड टेबल वो होगी जिसमें फॉरेन की होगी, जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को रिफर कर रही होगी। यहाँ पे देखिए लिंकेज दिया हुआ है, फॉरेन की विच रिफर्स टू प्राइमरी की ऑफ प्रोजेक्ट टेबल। ठीक है, तो जिसकी प्राइमरी की को क्या कर रही है, वो रिफर कर रही है फॉरेन की, उसको हम बोलेंगे पेरेंट टेबल, और जिसमें फॉरेन की होगी उसको हम बोलेंगे चाइल्ड टेबल। क्लियर है? तो मुझे सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा पेरेंट टेबल। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम इज प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्वेरी का पार्ट है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं कॉलम नेम्स डिफाइन कर रहा हूँ, फिर उनके डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, साइज डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि प्राइमरी की मेरा जो है वो कौन है, प्रोजेक्ट नंबर है। तो प्रोजेक्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट रिलेशन इज द प्राइमरी की फॉर प्रोजेक्ट रिलेशन और टेबल। क्लियर है? तो हम क्या किए, पहले वाली टेबल क्रिएट कर लिए हैं, अब हम क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, उसके अंदर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, ये पूरे क्या किए हमने, और प्रोजेक्ट नंबर, ये हमने क्या किया, सिक्स एट्रीब्यूट्स नेम को डिफाइन किया है, फिर उनके डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, उनकी साइजेस डिफाइन कर रहे हैं, रोल नंबर को मैंने बना दिया है प्राइमरी की, और इस प्रोजेक्ट नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरेन की बना रहा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट नंबर, नंबर ऑफ थ्री रेफरेंसेस, प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, कि ये जो पर्टिकुलर फॉरेन की है वो इस प्राइमरी की को रिफर कर रहा है। क्लियर है? ये जो फॉरेन की है वो किसको रिफर कर रहा है, इस पर्टिकुलर टेबल की, इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को रिफर कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा पहले से क्रिएटेड होना चाहिए, मतलब ये मैं पहले क्रिएट करूंगा तभी मैं इसको क्रिएट यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख पाऊंगा, अदरवाइज ये क्वेरी मेरी यहाँ पे क्या होगी, एरर शो करेगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, पहले बनाया मैंने पेरेंट टेबल। ठीक है, उसके बाद मैं आप क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं चाइल्ड टेबल, और चाइल्ड टेबल में क्या कर रहा हूँ, पेरेंट टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिफर कर रहा हूँ, कौन सी पेरेंट टेबल जो है मेरी वो पर्टिकुलर, कौन सी पर्टिकुलर टेबल जो है मेरी पेरेंट टेबल रहेगी, जिसकी प्राइमरी की को मैं क्या कर रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ। क्लियर? अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने पेरेंट टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है, और यहाँ पे मैं जब चाइल्ड टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट नंबर, नंबर ऑफ थ्री रेफरेंसेस, और मैंने पेरेंट टेबल को लिख दिया। अब मैं यहाँ पे पेरेंट की को लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पेरेंट की भी लिखी है, कि प्रोजेक्ट नंबर मेरी पेरेंट की है और ये प्रोजेक्ट नंबर मेरी चाइल्ड की है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेरेंट की को लिख ही नहीं रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, उसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टेबल में जो भी प्राइमरी की होगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसी को रिफर करेगा। क्लियर है? सो दिस पेरेंट की स्पेसिफिकेशन इज ऑप्शनल। ठीक है, ये पेरेंट की जो स्पेसिफिकेशन है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस पेरेंट की को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, वो मेरा क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल है मतलब मैं डायरेक्टली पेरेंट टेबल को लिख सकता हूँ, ऑटोमेटिकली उसके प्राइमरी की को क्या करेगा, वो रेफर करेगा। क्लियर है? सिमिलरली मैं चाहूँ कि टेबल लेवल पे फॉरेन की डिफाइन करूँ, तो मुझे पहले पूरे कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने पूरे कॉलम डिफाइन कर दिए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, प्रोजेक्ट नंबर, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ फॉरेन की, फॉरेन की बना रहा हूँ मैं पी नंबर को, विच रेफरेंसेस प्रोजेक्ट, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्ट ऑफ पी नंबर। मैं अगर नहीं लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट के पी नंबर को ही क्या करेगा, रेफर करेगा। क्लियर? सो दिस इज टेबल लेवल कंस्ट्रेंट ऑन फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की हम टेबल लेवल में कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो बता रहा है। क्लियर है? और बाकी फॉरेन की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कि फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट व्हिच हुज वैल्यूज कैन बी रेफर्ड फ्रॉम सम प्राइमरी की।
ठीक है, हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम सम प्राइमरी की वैल्यूज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। तो हम फॉरेन की अब क्रिएट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने स्क्रिप्ट पर, रन करते हैं पहले तो एसक्यूएल कमांड लाइन। करते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे पास कितनी टेबल्स हैं। तो टेबल्स हमारे पास जो है वो है बोनस, डीपीटी, ईएमपी, सेल ग्रेड और एक स्टूडेंट टेबल हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, क्लियर। अब आ जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स पर। ये टाइनी स्क्रिप्ट हमने पढ़ ली थी, ठीक है। आ जाते हैं स्क्रिप्ट में, तो आज हम देखते हैं 11th स्क्रिप्ट, ठीक है। 11th स्क्रिप्ट में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे लिखा हुआ है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है, टेबल नेम इज स्टूडेंट। फिर लिखा है हमने कैस्केड कंस्ट्रेंट्स। आज आपको पता चलेगा कि कैस्केड कंस्ट्रेंट्स हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लिखे हैं ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, कैस्केड कंस्ट्रेंट, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, कैस्केड कंस्ट्रेंट। फिर हम पहले प्रोजेक्ट टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, फिर हम चाइल्ड टेबल को क्रिएट कर रहे हैं और चाइल्ड टेबल में हम लिख रहे हैं पी नंबर, नंबर ऑफ थ्री रेफरेंसेस, प्रोजेक्ट ऑफ पी नंबर। तो ये जो पर्टिकुलर पी नंबर है मेरा फॉरेन की होगा, जो इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को क्या कर रहा है, रेफर करेगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यूज डालते हैं, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं कमिट, जो भी इंसर्ट होगा उसे कमिट कर रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, दोनों टेबल को व्यू कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, 11th स्क्रिप्ट है, ठीक है। हम एग्जीक्यूट करते हैं एट द रेट एच ड्राइव स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट करके हम लिख रहे हैं 11। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें एक एरर आ रहा है ड्रॉप टेबल। पहले देखिए, पहले सबसे पहले टेबल ड्रॉप हो गई। तो ये टेबल कौन से ड्रॉप हुई, टेबल ड्रॉप हुई आपकी स्टूडेंट, क्योंकि सबसे पहले हम स्टूडेंट को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मैं लिख रहा हूँ ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट कैस्केड कंस्ट्रेंट। तो प्रोजेक्ट टेबल मेरे पास यहाँ पर है ही नहीं, तो ये ड्रॉप नहीं करेगा, एरर शो करेगा। फिर टेबल क्रिएट हो रही है, टेबल कौन सी क्रिएट हो रही है, पहले क्रिएट कर रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद उसमें तीन रोज इंसर्ट कर रहे थे, ये तीन रोज इंसर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम कर रहे थे इसमें तो ये टेबल क्रिएट हो गई। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये टेबल क्रिएट हो रही है आपकी स्टूडेंट टेबल, क्लियर। ये तीन रोज इंसर्ट हुई, तीन रोज इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। स्टूडेंट टेबल में फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके क्या हो रहा है, पहले तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो तक उसने एग्जीक्यूट कर लिया। जब मैं सेवंथ रो में जा रहा हूँ तो इसमें एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 124, क्लियर है। तो आ जाते हैं वापस अपने पीपीटी में। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फॉरेन की। तो फॉरेन की में यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, देखिए यहाँ पे जो फॉरेन की में वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज देखिए, पहले तो प्राइमरी की वैल्यूज देखते हैं। प्रोजेक्ट में प्राइमरी की वैल्यूज क्या क्या है, 121, 122, 123। तो फॉरेन की जो इसको रिफर कर रही है वो क्या स्टोर कर सकता है, 121 स्टोर कर सकता है, 122 स्टोर कर सकता है, 123 स्टोर कर सकता है। 121 को फिर से स्टोर कर सकता है, 122 फिर से स्टोर कर सकता है, 123 फिर से स्टोर कर सकता है, लेकिन 124 को ये स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 124 की वैल्यू है ही नहीं, क्लियर है। जब तक यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 124 P4 ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं आएगा 40, तब तक मैं यहाँ पर 124 इंसर्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इज द रूल फॉर फॉरेन की, कि फॉरेन की कैन कंटेन द वैल्यूज फ्रॉम इट्स प्राइमरी की दैट इट रिफर्स टू, जिस पर्टिकुलर प्राइमरी की को रिफर कर रही है उसमें से ही वो वैल्यू ले सकता है, अदरवाइज इट मे कंटेन नल वैल्यू। तो मैं इसमें नल इंसर्ट कर सकता हूँ, क्लियर क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट फॉरेन की में, एनी डाउट, आवाज आ रही सबको। तो यहां पर देखिए मैंने 124 जब इंसर्ट किया है तो यहां पे एरर आ रहा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नेम मैंने नहीं दिया था, तो ये अपने हिसाब से कंस्ट्रेंट का नेम उसने स्पेसिफाई किया ओरेकल ने, तो वो पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है पेरेंट की नॉट फाउंड। तो पेरेंट की में जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक चाइल्ड उसको रिफर नहीं कर सकता,
क्लियर है। तो जब तक यहाँ पर 124 नाम का प्रोजेक्ट नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पर 124 इस पी नंबर में स्टोर नहीं कर सकता, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी में, इस पर्टिकुलर 124 में एरर आ रहा है, ठीक है। जब मैं रोल नंबर 7 दिनेश 5 CSE 55 124 स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें आ रहा है एरर, क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमने कैस्केड कंस्ट्रेंट्स क्यों लिखा था, ठीक है। अब मेरी देखिए स्टूडेंट टेबल भी क्रिएट हो चुकी है, मेरी प्रोजेक्ट टेबल भी क्रिएट हो चुकी है, क्लियर है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल और प्रोजेक्ट टेबल, ये दोनों टेबल मेरी क्या हो रही है, क्रिएट हो चुकी है। और इसमें हमने यहाँ पे देखा कि विच इज माई पेरेंट टेबल, दिस इज माई पेरेंट टेबल, दिस इज माई चाइल्ड टेबल, ठीक है। तो चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल में मैं पेरेंट टेबल को तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास चाइल्ड में रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। दिस इज द रूल फॉर फॉरेन की कंस्ट्रेंट कि पेरेंट टेबल को मैं तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक कि चाइल्ड में उसके रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर लिखूं, यहां पर देखिए दो टेबल मैंने क्रिएट किए, एक प्रोजेक्ट और एक स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरी चाइल्ड टेबल है और प्रोजेक्ट मेरी जो है वो पेरेंट टेबल है। अगर मैं यहां पे लिखूं ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट, सो इट विल शो एन एरर। देखिए एरर क्या दिखा रहा है, यूनिक ऑब्लिक प्राइमरी कीज इन टेबल रेफरेंस बाय फॉरेन कीज, मतलब कोई फॉरेन की उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। जब तक मैं उसको रेफर कर रहा हूं तब तक मैं उस पर्टिकुलर टेबल को डिलीट कर ही नहीं सकता, क्लियर है। सिमिलरली आई कैन नॉट डिलीट फ्रॉम पेरेंट टेबल, मैं अगर लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर पी नंबर दैट इज इक्वल टू 121, तो इसमें भी आएगा एरर, क्यों, क्योंकि 121 को ये चाइल्ड कीज जो है अभी रिफर कर रही है, ठीक है। ये देखिए 121 121, यहाँ पे दो पर्टिकुलर चाइल्ड कीज को क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर 121 को रिफर कर रही है। तो मैं इस 121 को तब तक मैं डिलीट नहीं कर सकता जब तक कि ये चाइल्ड रिकॉर्ड मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। लेकिन मैं चाहूं तो मैं किसमें से डिलीट कर सकता हूं, मैं इसमें से डिलीट कर सकता हूं, किसमें से, मैं इनमें से 121 122 123 कुछ भी डिलीट कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरी चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैं, चाइल्ड रिकॉर्ड्स में डिलीट कर सकता हूं, पेरेंट टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड डिलीट करता हूं तो तभी डिलीट कर सकता हूं जब तक मेरे पास चाइल्ड में रिकॉर्ड नहीं हो, मतलब अगर मैंने यहाँ 124 रखा होता, ठीक है, यहाँ पे P4 होता और यहाँ पे 40 होता तो मैं इस 124 को डिलीट कर सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 124 यहाँ पर कहीं पे भी चाइल्ड रिकॉर्ड में नहीं है, क्लियर है, क्लियर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि पेरेंट रिकॉर्ड में तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक कि चाइल्ड की एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और वाइस वर्सा मैं स्टूडेंट टेबल में तब तक इंसर्ट नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास कोई पेरेंट रिकॉर्ड ना हो, ठीक है, वो हमने अभी देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैं दे रहा था 7, मैं दे रहा था दिनेश, मैं दे रहा था 5 CSE 55 और मैंने 124 लिखा था ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 124 मेरा पेरेंट रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता, क्लियर है। तो चाइल्ड टेबल के लिए क्या रूल है कि मैं तब तक इंसर्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसकी पेरेंट की नहीं मिले। सिमिलरली पेरेंट के लिए ये रूल है कि जब तक मैं चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करता तब तक मैं पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता, मुझे पहले चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा फिर मैं पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता, ठीक है। सिमिलरली पेरेंट टेबल को मैं तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक कि चाइल्ड टेबल मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है। अगर मेरे पास स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ चाइल्ड कीज जो है उन पेरेंट कीज को रेफर कर रही हैं तो मैं पेरेंट टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकता, ठीक है। अब मुझे अगर ड्रॉप करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट कैस्केड कंस्ट्रेंट्स, तब ये टेबल मेरी ड्रॉप होगी। तो इस केस में क्या कर रहा है कि पहले जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे इस पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड, मतलब इसके जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे कि इनको कोई अगर चाइल्ड की रिफर कर रही है तो वो फॉरेन की अब उसको रिफर नहीं करेगी। कैस्केड कंस्ट्रेंट मतलब इन कंस्ट्रेंट्स को भी मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर दे रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अगर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं ये पर्टिकुलर पी नंबर्स जो आ रही हैं ये नॉर्मल वैल्यूज हो गई हैं, ये अब किसी को रेफर नहीं कर रही है। दैट मीन्स
नाउ आई कैन इंसर्ट दिस 124. क्यों? क्योंकि अब इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये पर्टिकुलर 124 जब तक वहां पे इंसर्ट नहीं होगा तब तक मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट इसमें इंपोज नहीं है. ठीक है, कैस्केड कंस्ट्रेंट मतलब वो कंस्ट्रेंट मेरा हट गया, हटा दिया मैंने उस कंस्ट्रेंट को, मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन की कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले लिखा है ड्रॉप टेबल, यहां मुझे पहले लिखना चाहिए प्रोजेक्ट, उसके बाद लिखना चाहिए स्टूडेंट. क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे पहले स्टूडेंट लिखा है, फिर प्रोजेक्ट लिखा है. ठीक है, फिर मैंने प्रोजेक्ट को क्या किया है, क्रिएट किया है, उस पर प्राइमरी की बनाया मैंने पी नंबर, फिर उस पर तीन रोज इंसर्ट किए, फिर मैंने चाइल्ड टेबल क्रिएट किया, उसकी प्राइमरी की बनाई मैंने रोल नंबर, फिर मैंने फॉरेन की बनाई पी नंबर को, रेफरेंसेस किया प्रोजेक्ट ऑफ पी नंबर. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की और फॉरेन की का जो कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं दोनों का नेम सेम हो. यहाँ पे देखिए पेरेंट की जो है मेरी क्या है, पी नंबर है. यहाँ पे जो चाइल्ड की है उसका नाम मैंने क्या लिखा है, पी एन यू एम लिखा है. ठीक है, सो दिस इज चाइल्ड की, दिस इज पेरेंट की. क्लियर है? तो पेरेंट की और चाइल्ड की का नाम हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है. जनरली हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका नाम हम सेम ही रखें. क्लियर? सो दिस इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन विच चाइल्ड की नेम इज डिफरेंट देन इट्स पेरेंट की. ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी भी पेरेंट की स्पेसिफाई नहीं की है. ठीक है, पेरेंट की स्पेसिफाई नहीं की है तो ऑटोमेटिकली लगेगा इस प्रोजेक्ट टेबल की क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्राइमरी की को पुट कर देगा यहाँ पर. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि पी एन यू एम नंबर ऑफ थी प्रोजेक्ट ऑफ पी नंबर. तो यहाँ मैंने अब पी नंबर लिखा है, लिखा है मतलब ये पर्टिकुलर इसी पर्टिकुलर पी नंबर को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है. ठीक है, तो ये मेरे को लिखना जरूरी हो गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने अब लगाया है यूनिक कंस्ट्रेंट. तो इससे एक चीज और समझ में आ रही है कि जो पर्टिकुलर फॉरेन की है वो जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की को ही रेफर करे, वो चाहे तो यूनिक की को भी रेफर कर सकता है. ठीक है, तो इस केस में मुझे यहां पर ये लिखना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी टू राइट. क्यों? क्योंकि अब इस टेबल में, कौन सी टेबल में, इस प्रोजेक्ट टेबल में मेरे पास कोई भी प्राइमरी की नहीं है यहां पर. ठीक है, प्राइमरी की नहीं है तो मैं अब बता रहा हूं कि मैं कौन से की को रेफर कर रहा हूं, तो मैं इस पर्टिकुलर यूनिक की को रेफर कर रहा हूं. तो यूनिक की का नाम मुझे यहां पर बताना पड़ेगा. इस केस में मुझे पेरेंट की का नाम स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी टू राइट इन क्रिएट टेबल स्टेटमेंट. क्लियर? अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आता है ऑन डिलीट कैस्केड. ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड. हाँ सर बोलिए. सर अगर प्राइमरी की और यूनिक दोनों हो तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की करेगा कि बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की लेगा. अच्छा, अगर नहीं बताएंगे तो चले, नहीं मतलब पी नंबर लेगा. हां चलेगा चलेगा. ओके सर, क्लियर है? करके दिखाऊं मैं. हमारे पास ये है प्राइमरी की. ठीक है, हम क्या करते हैं इसको यूनिक कर देते हैं. किसको? पी नंबर, पी नेम को मैंने क्या किया, यूनिक कर दिया है. अब मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या लेगा, इस पी नंबर को लेना चाहिए. ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं. क्लियर स्क्रीन करते हैं पहले और फिर ये आपकी 11th स्क्रिप्ट को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं. तो देखिए ये अभी भी क्या कर रहा है, उसी को बना रहा है फॉरेन की. ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी देखिए 124 मेरा वायलेट हो रहा है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले तो स्टूडेंट टेबल ड्रॉप हो गई, फिर प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं हो पा रही है. क्यों? क्योंकि ये अभी भी क्रिएटेड नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया था. मैंने यही लिखा था ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट कैस्केड कंस्ट्रेंट, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है. क्लियर है? तो फिर जो डाउट था अपना वो क्लियर हुआ. अगर यूनिक, हाँ यूनिक भी है और हमारे पास प्राइमरी की भी है तो प्राइमरी की को ही रेफर करेगा. अगर प्राइमरी की नहीं है तो किसी यूनिक को रेफर कर सकता है. उसके से मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मैं किसको रेफर कर रहा हूँ. नाउ इट इज मैंडेटरी टू राइट इन क्रिएट टेबल स्टेटमेंट. ठीक है, अब आ जाते हैं ऑन डिलीट कैस्केड. ये ऑन डिलीट कैस्केड एक ऑप्शन होता है हमारा प्राइमरी फॉरेन की में. ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि if you have a child key then parent key cannot be deleted.
हमने ये पढ़ रखा है कि यहाँ पर अगर मेरे पास, जब तक मेरे पास यहाँ पर 121, 122, 123 ये पर्टिकुलर चाइल्ड कीज इनको रिफर कर रही हैं, किनको, इनको, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे रिफर कर रहा है, तब तक मैं इनको डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड करने से क्या होगा, अगर मैंने दिखा दिया कि फॉरेन कीज पी नंबर विच रेफरेंसेस प्रोजेक्ट ऑफ पी नंबर ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड मीन्स इफ यू डिलीट अ पेरेंट की देन ऑल द चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड, ऑल द चाइल्ड कीज और ऑल द चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड। क्लियर है? तो अगर किसी पेरेंट की को मैं डिलीट करता हूं, मतलब मैं प्रोजेक्ट टेबल से 121 को डिलीट कर रहा हूं, तो क्या करेगा, चाइल्ड रिकॉर्ड्स, उसके जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो उनको रिफर कर रहे थे, उनको क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। क्लियर है? तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। अब हम देखते हैं 12 को, अगर देखें तो 12 में क्या था, कुछ नया था क्या? कुछ नया नहीं है, वही है, उसको आप एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। 13 देखें तो 13 में ये यूनिक वाला था, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट करके आप देख लीजिएगा। 14 स्क्रिप्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी यूनिक है और ऑन डिलीट कैस्केड है। एक काम करते हैं, उसको बना देते हैं प्राइमरी की, ठीक है। आप यूनिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बना देते हैं प्राइमरी की। अब आ जाते हैं हम 14th वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो 14 में मेरे पास पहले टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट, फिर क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट में लिख रहा हूँ ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। ऑन डिलीट कैस्केड करने से 124 में मेरा क्या है, अभी भी इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे, अभी हमने ऑन डिलीट कैस्केड यूज नहीं किया है और हम लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर पी नंबर दैट इज इक्वल टू 121। तो ये मेरे को एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा है, बोल रहा है चाइल्ड रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड है। जब तक चाइल्ड रिकॉर्ड उसको रिफर कर रहे हैं, तब तक मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको 14 वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया हमने। तो एग्जीक्यूट करने से क्या हुआ कि पहले दोनों टेबल को ड्रॉप किया उसने, स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट, फिर पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट के 3 रोज क्रिएट हुई, उसके बाद स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, स्टूडेंट की 6 रोज क्रिएट किया, 7th रो में एरर आया, जो कंस्ट्रेंट था वो वायलेट हो गया, पेरेंट की नहीं मिल रही थी, और उसके बाद दोनों टेबल को मैंने व्यू किया, ठीक है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डिलीट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर पी नंबर दैट इज इक्वल टू 121। तो एक रो डिलीट हुई किसमें से, प्रोजेक्ट में से। अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट के कंटेंट जो पहले थे 3 रोज, अब वो हो जाएंगे 2 रोज, ठीक है। और अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं तो स्टूडेंट टेबल मेरे पास अब क्या हो गए, इंस्टेड ऑफ 6 रिकॉर्ड्स 2 रिकॉर्ड्स विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। कौन कौन से, एक तो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया और एक वाला रिकॉर्ड मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए 121 की कोई भी रो नहीं है, क्लियर है। तो रिकॉर्ड डिलीटेड मतलब 121 की पूरी 121 की ये क्या हो रहा है, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जा रही है, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी रो है, ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो है 4 गोपाल वाली जो है पूरी की पूरी रो डिलीट हो जा रही है, क्लियर है। तो ये क्यों डिलीट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड मीन्स इफ यू डिलीट अ पेरेंट की ऑल द चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड, क्लियर है। चलिए अब हमको ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जब मैं इन 121, 122, 123 में किसी एक को डिलीट करूं, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ना डिलीट होके ये सिर्फ और सिर्फ क्या डिलीट करे, उस चाइल्ड की को डिलीट करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑन डिलीट सेट नल, ठीक है। ऑन डिलीट सेट नल मीन्स इफ यू डिलीट अ पेरेंट की ऑल द चाइल्ड कीज आर सेट एज नल। अब चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे हम, चाइल्ड कीज बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ चाइल्ड की बात हो रही है कि की को क्या करेगा, वो नल सेट कर देगा, क्लियर है। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, आ जाते हैं स्क्रिप्ट 15 में। स्क्रिप्ट 15 में ऑन डिलीट सेट नल लिखा हुआ है, देखिए है ना, यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है तो यूनिक ही रहने देते हैं उसको, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं 15th वाली स्क्रिप्ट को।
अब आ जाते हैं 15, 15 में देखिए पहले टेबल क्रिएट ड्रॉप किया, क्रिएट किया 124 कभी भी प्रोहिबिट कर दिया कि वो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम किसमें से, प्रोजेक्ट में। इफ यू डिलीट अ पेरेंट रिकॉर्ड, तो पेरेंट रिकॉर्ड में डिलीट कर रहा हूँ 121 का, तो एक रो डिलीट हुई किसमें से, 121 में से। ऑल द चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर सेट एज नल, तो अगर मैं पहले देखता हूँ प्रोजेक्ट में डिलीट हुआ कि नहीं, तो प्रोजेक्ट में डिलीट हो चुका है। जब मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट में मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए 121 जहां जहां लिखा था वहां पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली नल सेट हो गया, क्लियर है। तो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स हमने क्या किया है, उस चाइल्ड की को क्या कर दिया है, नल सेट कर दिया है, ठीक है। चाइल्ड की को क्या कर दिया, हमने नल सेट कर दिया, चाइल्ड की को नल सेट कर दिया, मतलब अब इसको और कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ, अपडेट करके उनको मैं राम और गोपाल को कोई और प्रोजेक्ट में अलॉट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 122 में अलॉट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 123 में अलॉट कर सकता हूँ, लेकिन 124 में अभी भी अलॉट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई पेरेंट रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, क्लियर है। क्योंकि ये अभी भी उसको रिफर कर रही है, ये वैल्यूज अभी भी उसको रिफर कर रही है। सो फॉरेन की कैन कंटेन डुप्लीकेट्स, हम पढ़े थे तो 122 डुप्लीकेट आ रहे हैं, फॉरेन की कंटेन नल वैल्यूज, तो नल वैल्यूज भी आ रही हैं, ठीक है। बट फॉरेन की वैल्यूज मस्ट बी टेकन फ्रॉम सम प्राइमरी की वैल्यूज और सम पेरेंट की वैल्यूज, तो पेरेंट की मेरी यूनिक की भी हो सकती है, प्राइमरी की भी हो सकती है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ऑन डिलीट सेट नल। सिमिलरली ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट करके भी एक ऑप्शन होता है, जिसमें डिलीशन उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप उसको डिलीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरेकल में सपोर्ट नहीं करता है सिंटैक्स, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें सेट रहता है, ये इसमें सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आप MySQL वगैरह में एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली ऑन डिलीट नो एक्शन, ये भी मेरा ओरेकल में सपोर्ट नहीं करता। ऑन डिलीट नो एक्शन मीन्स आप डिलीट करते हैं तो कोई एक्शन क्रिएट नहीं करेगा, मतलब वो डिलीट कर देगा, चाइल्ड की उसमें रहेंगी। सिमिलरली ऑन अपडेट कैस्केड मीन्स इफ यू अपडेट अ पेरेंट की, ऑल द चाइल्ड कीज आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड, ठीक है। ऑन अपडेट कैस्केड मीन्स इफ यू अपडेट अ पेरेंट की, अपडेट अ पेरेंट की मीन्स इस 121 को मैंने कर दिया अगर 124, तो ऑटोमेटिकली ये भी 124 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये भी 124 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इंसर्ट हो ही नहीं सकता था पहले ही, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली 124 हो जाएंगे। This is on update cascade. On update cascade means if you update a parent key, all the child keys are automatically updated. ठीक है, ये भी Oracle में support नहीं करता है, MySQL में support करता है। Similarly, on update set null means if you update a parent key, all the child keys are set as null. ठीक है, आपने 121 को 124 किया, तो जहां जहां child key में 121 था वहां पे क्या हो जाएगा, automatically null set हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहीं पे भी नेमिंग या कंस्ट्रेंट पढ़ाया क्या, हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नेमिंग नहीं पढ़ाया। आप एक क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो मैंने लिखा है फॉरेन की, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नेम लिख रहे हो सपोज एफ की, और एफ की करके फॉरेन की रेफरेंसेस प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। तो इस केस में इस फॉरेन की कंस्ट्रेंट का नाम जो है वो क्या है, एफ की है। तो ये नेमिंग कंस्ट्रेंट की जरूरत कब पड़ती है, जब मैं उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को इनेबल या डिसेबल या फिर उस कंस्ट्रेंट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंस्ट्रेंट का नेम देना पड़ेगा, क्लियर है। आ जाते हैं आप गेट क्वेश्चंस में, यहाँ तक किसी को डाउट, अगर डाउट नहीं है तो हम ये गेट क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट, आवाज आ रही है सबको? यस सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, चलिए हाँ बोलिए। चलिए एक काम करते हैं, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है इसमें गेट के ना, ये तीनों क्वेश्चन आप बनाइए। सेकेंड हाफ में 3 बजे लैब लेने वाला हूँ मैं, उस लैब में पहले 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे का लैब अटेंड करेंगे, ठीक है। अभी क्लास खत्म हो रही है, आप एक काम कीजिए कि इन तीनों क्वेश्चन को मैं आपको स्लाइड पर दे देता हूँ, ये तीनों आप क्या करेंगे, बना के देखेंगे खुद से पहले,
क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन मैं बनाने बैठ गया तो आप लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं होगी। क्लियर है? तो पहले ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना के देखिए, नहीं बनेंगे तो फिर मैं